सो नौजवानों मैं बहुत स्टेजों तो यह गल गई है, मावां भैणां भी ध्यान नाल सुन लैण, तुहाडे पुत्तर ने भरा ने, तुसीं किसी दे पुत्तर जो भरा जो, दो रस्ते ने लकीर खिंची गई है, हुकूमत ने खिंच दित्ती है लकीर। एक पासे तुसी नशे दे टीके ला के बन सवनियां गोलियां खा के मर जाओ, मरना तय है, उधर भी जिहड़ा उस पासे नूं तुरदा मुड़दा नहीं मरी जांदा। दूजे पासे हुकूमत ने यह तय किया भी जिहड़ा कौमी संघर्ष जाऊगा, जिहड़ा कौम दे हक्कां दी गल करूगा, उस बंदे नूं उन्होंने मारना है। मौत दोने पासे है। मैं एक कोई दावा नहीं किया किसी स्टेज तो भी तुहानूं मौत तो बचाउणा है। मैं तो सगों यह दावा किया भी बाणी दा वचन है, पहला मरण कबूल जीवन की छडास, वो सभना की रेणुका तो आओ हमारे पास। मरना आपां हैगा है तो क्यों ना आपां गुरु के दर ते जा मरीए। जे गुरु के दर ते जाके मरांगे तो फिर होर कि थां थां ते मरन की लोड़ नहीं रहनी। फिर यह सिर जे गुरु नूं सौंप दिता, फिर यह गुरु जिथे मर्जी ला दे, कोई रंज नहीं, फिर गुरु अपने चरणां च थां दे दू। सो आपां मौत कहड़ी चुननी ने, दो तरह दीआं मौतां ने। एक मौत है बगैरती दी मौत, जिस मौत ते सारा संसार झूठ बोलता है, झूठ की बोलता है कि मुंडा बड़ा चंगा सी जी, पता नहीं की हो गया, पता सारे नूं हुंदा वी की होया। दूजी मौत है जेदी मड़ी दे खलो के दीप दी मौत होई, दीप दा जी शहादत होई है, ते मड़ी दे खलो के नौजवान ने अरदास की कीती सी कि बाजां वालियो सानू गात्रे पवा दिओ। महाराज सच्चे पातशाह दे अगे तरला कीता, उन्हां बख्शिश कीती, बख्शिश करके नौजवानों ने इस राह ते तोरिया। खंडे बाटे दी पौल छकी नौजवान ने, कल हजारां सिखां ने उत्थे खंडे बाटे दी पौल छकी है। तो उहदे नाल फर्क की पैंदा, कई तर्कवादी कहिंदे जी भी उदां वी साडे मन च बड़ा चंगा विचार है, उदां वी असीं कौमी संघर्ष कर सकदे आ। बहुत नौजवान मैनूं इह गल कहिंदे ने वी साडे अंदर जज्बा पूरा है जी। देखो जे जज्बा है पंजाब लई कुछ कर ला, पंथ दी कुछ करन दा, ते फिर एक गल मन च वसा लो, जिन्ना चिर गुरु का हुक्म नहीं मानते, जज्बे जुज्बे कम नहीं आते अपने। सो यह नहीं है भी आपां अपने कोई कम नहीं, तो आप कही भी आप खंडे बाटे की पौल नहीं छकनी। कोई नौजवान उठ के कहता मैं साल का समा चाहिए, अगली घड़ी का आपां नूं पता भी सवास होना कि नहीं होना, यह नहीं पता। जिहड़ी घड़ी लंघ गई उहदा ते पता है, जिहड़ी आउणी है उहदा कुछ नहीं पता। सो आपां इस राह ते तुरन तों किसे नूं रोकणा नहीं। एक नौजवान मेरे कोल आया है, उहदे मां प्यो कहिंदे भी अमृत नहीं छकणा, जे छकना तो पढ़ाई पूरी करके छक लेना, तो जे फिर भी छकना तो अमृतपाल को नहीं छकना। मैं कल भी कहा सी भी मैं अमृत को वखरा तैयार करता, ना मैं तैयार करने वालों चो, ना मैं छकाने वालों चो, मैं तो आप उतों ही अमृत छकिया। हाँ मैं ये जरूर गल की है भी अमृत छकन का अर्थ जो परिभाषा की है, यदि परिभाषा यह है भी गुरु के चरणों शीस भेट करना है। कई बंदे कहिंदे भी तुसीं इदां ना कहो, तुसीं सगो कह दो भी गुरु नूं मत भेट करनी है। तो मैं उन्हों कहा सी भी वह तो गुरु ने पहला ही लै ली है मत, जिन्हें तैयारी कर ली उहदी मत गुरु दे कोल चली गई, मनमुख रहे नहीं गुरमुख बन गए। जे गुरमुख बन के तो शीस बचाउण तुर पैना, फिर बंदा गुरमुख नहीं रहिंदा। जिहड़ा इह शीस है, जिहड़ा तन है, माया रूपी शरीर है, यह भी गुरु का, आत्मा तो उहदी है ही, उन्हें उच्च भेद हो जाणा है। यह शरीर सामभ के असीं की करना है। सो इस करके जे कौम दे विच कौम दे संघर्ष करदे आ, कोई धर्म युद्ध दे विच शीस लगदा है, ते पंज प्यारे इहो ही पुछदे हो, ऐसे शीस की गल करदे हो, मत की गल नहीं करदे मौके ते। मत ते गुरु की हैगी है, पर जे शीस बचा लिया दुनी चंद भज गया सी मौत तो डरदा। ते भाई बजित्र सिंह ने कहा सी महाराज सच्चे पातशाह तुसी कराउणा है, मैं कुछ करन दे समर्थ नहीं, तुसी कराउणा, एक छड्डो हजारां हाथी आ जाण इत्थे ते मैं उहनां नूं कन्नों फड़ के तुहाडे कोल लै आऊंगा। सो उह भाई बजित्र सिंह ने वर्षा मार के हाथी दा वध हाथी दा शिकार खेडिया सी। सो आपां उस गुरु दे पुत्तर आ, दुनी चंद उत्थों भज्जा सी ते इह गवाह वा इतिहास भी सप लड़के मर गया सी जंगल दे विच। तो गुरु तो ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਧ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਤਾ।